नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। हाईस्कूल की परीक्षा में एक बार फिर लड़कियों का दबदबा रहा। टॉप 10 में 9 लड़कियां हैं। संस्कारधानी जबलपुर में भी लड़कियों ने लड़कों से आगे निकलते हुए एक बार फिर से अच्छे परिणाम पर अपना कब्जा जमा लिया है। जैसे ही एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी हुए, वैसे ही संस्कारधानी के छात्र छात्राओं के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। आपको बता दें कि जबलपुर शहर की रिया चौधरी और जाह्नवी पटेल ने 97% अंक लाकर शहर को गौरवान्वित किया है। इस दौरान दोनों ही बच्चियों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजनों और शिक्षकों को दिया है। राज्य में 9वीं पोजीशन पाने वाली रिया चौधरी ने बताया कि उसे उसके स्कूल द्वारा बेहद स्नेह और प्रोत्साहन भरा माहौल दिया गया था। वहीं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा भी साल भर उसका उत्साहवर्धन किया गया। यही कारण है कि रिया ने 97.2% लाकर राज्य में 9वां स्थान हासिल किया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए मॉडल हाई स्कूल में पढ़ने वाली जाह्नवी पटेल ने भी अपनी सफलता का श्रेय परिजनों और स्कूल के अध्यापकों को दिया है। आज दोनों ही बच्चियों की मेहनत रंग लाई है और उनके परिवार वाले बेहद खुश हैं। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत खुश हैं, पेरेंट्स टीचर्स सब। आप तो ज्यादा सहयोग किसने दिया आपको इस सफलता पर? पेरेंट्स और टीचर्स दोनों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मतलब सारे टीचर्स मेरे स्कूल के ने तो बहुत ज़्यादा किया कोचिंग, और मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। कभी भी प्रेशराइज नहीं किया कि तुम्हें कुछ मतलब बहुत ज़्यादा करना है, बस उन्होंने इतना बोला कि अपना बेस्ट दो। 97.6। मेरा नाम जाह्नवी पटेल है, मैं चुई खदानगढ़ से हूँ। पापा सोशल वर्कर हैं और मम्मी पापा का मोटिवेशन जो था वो मतलब हौसला देना जो रहा वो पूरे साल उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। टीचर्स लोग भी जो थे वो उन्होंने गाइड किया कि पेपर में कैसा पेपर बनता है और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें रहेंगे, उसको अच्छे से पढ़ने वगैरह का, पेपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो सब टीचर्स बताते थे और मैंने उसे मतलब उन सारी चीजों को सीरियसली लिया और फॉलो किया। प्रिंसिपल साहब की कुछ वो थी कि आप पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हैं, प्रिंसिपल साहब ऐसा बता रहे थे। वो मेरी शक्ल देख के सबको ऐसा लगता है कि मैं मतलब पढ़ने में ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, तो वो मेरा ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था क्योंकि मैं ज्यादा बाकी एक्टिविटियों में मतलब मैं कम इन्वॉल्व रहती थी। तो जाहिर सी बात है प्रिंसिपल सर के सामने भी मैं बहुत कम ही आती थी क्योंकि कोई एक्टिविटी में मैं नहीं रहती थी, तो वो उनको भी ऐसा ही लगा होगा कि मैं पढ़ाई अच्छी। लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि हाँ पढ़ती। कितने परसेंट बने आपके? मेरे 97.2 बने। रैंक कौन सी आई? मेरी स्टेट मेरिट में 9th रैंक आई है। रिया चौधरी मेरा नाम जी। आज आपकी बच्ची ने अच्छे मार्क्स लाए 97%, कैसा लगता है आपको? क्या आपने उनको क्या सहयोग किया उसमें? बहुत अच्छा लगता है, और हम लोगों 10th में भी उसने एमपी मेरिट लिस्ट में 9वां स्थान लाई थी, और हम लोगों का यही था कि 12th में भी वो अच्छा करे, और इसके लिए उसने बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी बहुत ही ज़्यादा, और टीचर्स स्कूल के कोचिंग के, और हम लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया, और आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आपका शुक्रिया। पारुल पटेल। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।